2022 तक सभी के लिए घर मिशन को प्राप्त करने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च की गई थी। ये योजना शहरी क्षेत्रों के लिए अलग और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग लॉन्च की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर उसके बाद घर बनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये टोटल अमाउंट मिलता है और शहरी क्षेत्रों में घर बनाने हेतु लोन लिया जाता है और फिर सब्सिडी के लिए अप्लाई किया जाता है, जिसका नाम है CLSS यानी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। इसके तहत 2,67,000 रुपये तक सब्सिडी मिल जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में डिटेल से जानने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और उसके बाद आप वीडियो को एंड तक देखना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, भारत में रहने वाले हर परिवार को 2022 तक घर मिल जाए उसी के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च की थी। ये योजना भारत सरकार की है और इसमें सब्सिडी भी भारत सरकार ही देती है। इस योजना में वे लोग जिनका अभी तक पक्का घर नहीं है वो पहली बार अपना पक्का घर खरीद ले या उनके पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है उस पे वो अपना घर बना ले तो उनको 2,67,280 रुपये की सब्सिडी मिल जाती है। लेकिन क्या कंडीशंस है इस योजना में? परिवारों को आय के हिसाब से सरकार ने 4 ग्रुप में बांटा था। ऐसे परिवार जिनकी आय 3,00,000 रुपये तक है वो EWS कैटेगरी में आएंगे और ऐसे परिवार जिनकी आय 3,00,000 रुपये से ज़्यादा लेकिन 6,00,000 रुपये तक है वो LIG कैटेगरी में आएंगे और ऐसे परिवार जिनकी आय 6,00,000 रुपये से ज़्यादा लेकिन 12,00,000 रुपये तक है वो MIG 1 कैटेगरी में आएंगे और 12,00,000 रुपये से ज़्यादा लेकिन 18,00,000 रुपये तक है वो MIG 2 कैटेगरी में आएंगे। 18,00,000 रुपये से ज़्यादा जिन परिवारों की आय है उनको सब्सिडी नहीं मिलती है, वो सब्सिडी की आशा नहीं करें। अब इसमें से MIG 1 और MIG 2 कैटेगरी में आने वाले परिवारों के लिए लास्ट डेट 31 मार्च 2021 थी जो कि निकल चुकी है। अब वो लोग सब्सिडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इस डेट को सरकार ने अभी तक एक्सटेंड नहीं किया है तो अब मेरे ख्याल से आगे भी इसको एक्सटेंड नहीं करेगी, क्योंकि एक्सटेंड करना होता तो वो कर चुकी होती। अब सिर्फ सब्सिडी 2 ही कैटेगरी के लोगों को मिलेगी, EWS और LIG, यानी जिन लोगों की आय 6,00,000 रुपये तक है, 6,00,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, उनके लिए अभी सब्सिडी लेने का मौका है। ये मौका 31 मार्च 2022 तक है। 31 मार्च 2022 के बाद सरकार एक्सटेंड करेगी या नहीं करेगी वो बात की बात है, लेकिन अभी टाइम है। अगर आपने अभी तक घर नहीं बनाया या घर परचेज नहीं किया है और आप इस कैटेगरी में आते हैं यानी आपकी इनकम 6,00,000 रुपये तक हैं तो आप अभी भी घर बना सकते हैं या घर खरीद सकते हैं। इंडिया में कहीं भी आप घर खरीद सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप गांव में रहते हैं तो शहर में नहीं खरीदें और शहर में रहते हैं तो कहीं दूसरे शहर में नहीं खरीदें, आप कहीं पे भी घर खरीद सकते हैं। बस इसमें कंडीशंस रहेगी, EWS और LIG कैटेगरी में आने वालों के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन ये है कि जो भी प्रॉपर्टी रहेगी उसमें लेडीज़ का नाम होना ज़रूरी है। जेंट्स का नाम भी हो सकता है लेकिन लेडीज़ का मस्ट है। अगर प्रॉपर्टी को सिर्फ जेंट के नाम ही करवा लिया, लेडीज़ का नाम ऐड नहीं करवाया तो सब्सिडी नहीं मिलेगी। चाहे आप लेडीज़ का सेकंड नाम भी जुड़वा सकते हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी प्रॉपर्टी 60 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले EWS और LIG कैटेगरी के लिए अलग अलग कंडीशंस थी लेकिन अब दोनों के लिए मिक्स कंडीशन है। पहले EWS के लिए 30 स्क्वायर मीटर तक का ही क्राइटेरिया था और LIG के लिए 60 स्क्वायर मीटर तक का क्राइटेरिया था, लेकिन अब EWS और LIG दोनों कैटेगरी में आने वाले लोग 60 स्क्वायर मीटर तक का घर खरीद सकते हैं या बना सकते हैं जो कि लगभग 645 स्क्वायर फीट के आसपास बैठता है। अब अगली कंडीशन आती है कि आपको घर बनाना है या खरीदना है तो आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। बैंक से लोन आपको कम से कम 6,00,000 रुपये का लेना पड़ेगा। अगर 6,00,000 रुपये से कम लेंगे तो भी सब्सिडी तो आएगी लेकिन कम आएगी, पूरी 2,67,280 रुपये सब्सिडी नहीं आएगी। अगली कंडीशन है कि जो आपका लोन का पीरियड है वो 20 साल होना चाहिए। 20 साल से कम टाइम पीरियड के लिए लोन ले लेंगे आप
तो लोन भी मिल जाएगा और सब्सिडी भी आ जाएगी, लेकिन सब्सिडी पूरी नहीं आएगी, उस केस में भी आपकी सब्सिडी कम आएगी। तो आपको घर के लिए हाउस लोन लेना है, हाउस लोन 6 लाख रुपए या इससे ज़्यादा लेना है, और आपको हाउस लोन 20 साल या उससे ज़्यादा लेना है। 6 लाख रुपए से ज़्यादा भी लोन ले सकते हैं, लेकिन सब्सिडी उतनी ही मिलेगी, 2,67,280 रुपये। 20 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए भी लोन ले सकते हैं, लेकिन उस केस में भी सब्सिडी आपकी 2,67,280 रुपये ही रहेगी। लेडीज़ की ओनरशिप ज़रूरी है, वो उसके बिना आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। बहुत सारे बैंक हैं जो इस कंडीशन को पहले बताते नहीं हैं, या बहुत से लोग पहले कंडीशन पूछते नहीं हैं और प्रॉपर्टी खुद के नाम करवा लेते हैं और फिर बैंक में जाते हैं, और जब सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं फिर सब्सिडी के लिए वो एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं और उनको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता है। हाउस लोन आप किसी भी बैंक से ले सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, NBFCs भी दे रही हैं बहुत सारी, लेकिन आप हाउस लोन लेने से पहले एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़रूर पूछ लें। कहीं ऐसा नहीं कि आप 10-11% पे हाउस लोन ले लें सब्सिडी के चक्कर में, उससे ज़्यादा तो आपके वहाँ इंटरेस्ट लग जाएगा। इसलिए लोन आप ऐसे बैंक से लें जहाँ आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम लग रही हो। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियो बनी हुई है जो आपके काम आ सकती है, उनके आपको नीचे लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वो जाके देखिएगा, या चैनल सब्सक्राइब करने के बाद चैनल पे जाके खुद देख लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी और अच्छे धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।